नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आपके लिए जो लूसेंट का एग्जाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया जा रहा था, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो BPSC हो, बिहार दरोगा हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी एग्जाम जो आप वन डे देंगे, उसके लिए ये बेहद ही खास बुक मानी जाती है, और उसी किताब को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे विश्व का भूगोल, जिसका जो है ये पांचवा नंबर जो चैप्टर होता है उस चैप्टर से चल रहा है, और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ आपके भारत के भूगोल ख़त्म कर दिए गए हैं, बायोलॉजी के पूरे पार्ट ख़त्म कर दिए गए हैं, और आज एक नई सब्जेक्ट शुरुआत होगा, वो होगा इकोनॉमिक्स, तो उसका भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करेंगे। और अब चलिए सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चलिए आइएगा, हम लोग कर रहे थे कौन सा चैप्टर, नंबर 5 ना। हाँ, चौथा चैप्टर हो गया था, चैप्टर नंबर 5 भी कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 5 में भी कुछ हो गया था। हम लोग स्थल मंडल जाने थे, उसके बाद चट्टान जाने, और ज्वालामुखी जाने थे। तो पहले हो जाए कल वाला से मुकाला, तो उसके बाद आगे चलेंगे हम भूकंप की ओर। तो सारे लोग तैयार हैं, सब पहुँच गए, कोई रास्ते में भी हैं, शुरू किया जाए। बताइएगा स्थल मंडल पर जो है कितना कितना प्रतिशत पानी है। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, पहले कल जो पढ़े थे उसमें से बताइए। हाँ, क्या प्रश्न किए थे कि पृथ्वी पर 71% जल है, तो जमीन कितना है? 29%। चलिए ठीक है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कौन सा? माउंट एवरेस्ट। और अधिकतम गहराई? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चट्टान जो होता है मुख्य रूप से बनावट के अनुसार कितने प्रकार के, उत्पत्ति के अनुसार? हाँ, चट्टान तीन प्रकार का, कौन कौन सा? आग्नेय और कयांत्रित और अवसादी चट्टान। चलिए बताइएगा कि जो बेसाल्ट जो है उसमें कौन सी मात्रा सर्वाधिक होती है, किस तत्व की मात्रा? लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा होता है। कोस्ट रेंज बैथोलिथ किस जगह में स्थित है? कनाडा में। और इदाहो कहाँ है? अमेरिका में। ग्रेनाइट का जो अग्नि चट्टान है, ये कयांत्रित होकर क्या बनेगा? ग्रेनाइट नीस बनता है। और बिटुमिनस कोयला नहीं, बिटुमिनस ग्रेफाइट बनता है। और लिग्नाइट कोयला कौन सा बनेगा? एंथ्रासाइट। हाँ चलिए ठीक है, ये पढ़ लेते। हम लोग पढ़े थे कि उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार का? सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। जो क्या बोलते हैं, क्राकाटोबा जो ज्वालामुखी है वो कैसा ज्वालामुखी है? क्राकाटोबा प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रसुप्त का मतलब है कुंभकर्ण, जो 6 महीना सोया रहेगा कभी भी उठ सकता है, उसको बोलते हैं प्रसुप्त। ठीक है, और ये क्राकाटोबा कहाँ है? सुंडा जल डमरू मध्य में है क्राकाटोबा। चलिए अच्छा है, एक था मेयन, मेयन कहाँ था? फिलीपींस में। ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त है। मेयन जो है प्रसुप्त है, क्राकाटोबा प्रसुप्त है। एक था विसुवियस होता है ना, विसुवियस वो कैसा है? विसुवियस इटली में है, भूमध्य सागर के इटली में है। ठीक, किलिमंजारो कहाँ है ज्वालामुखी? तंजानिया अफ्रीका में। शांत ज्वालामुखी, हाँ किलिमंजारो। कोह सुल्तान
ईरान में है, कोह सुल्तान और देवबंद। चलिए एक था इटली का एटना, वो कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ चलिए आगे बताइएगा कि एक भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। चलिए ठीक है, सब सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये सब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे है ना, पूरा चट्टान और ये ज्वालामुखी हो गया था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप, तो भूकंप सारे लोग निकाल लीजिएगा। एक बताइएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? नहीं, जब ऊंचा बोलेगा तो कोटापैक्सी, ओजस डेल सलाडो सक्रिय में है। सक्रिय बोलेगा तब ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वत में। हाँ, वो ऊंचाई पर स्थित है। हाँ वही। चलिए आगे आइएगा, अब निकाल लीजिए चैप्टर भूकंप पे, आइए भूकंप शुरू करते हैं। और इसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स शुरू होगा आज से। तो इकोनॉमिक्स जो जो बोले थे वो लोग बने रहिएगा। चलिए आइए भूकंप देखिएगा कहता क्या है कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और उसे कहते हैं हम सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी कहते हैं। आवाज सबको क्लियर है? भूकंप जो है ये भी तीन प्रकार के कंपन करता है, यानी कि भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन सा? तो एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, और तीसरा जो होता है सरफेस होता है। तीनों का नाम होता है प्राथमिक या पी तरंग, दूसरा होता है द्वितीय या एस तरंग, और तीसरा होता है सतही अथवा एल तरंग। एक का करके समझिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा प्राथमिक अथवा पी तरंग, जो कहता है कि यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरने वाला जो तरंग है वह होता है पी तरंग। इसकी औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या है? इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर जाएगा एक सेकंड में, ठीक ना। और कहता है यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। तो यहाँ से जो आपको पी तरंग से याद रखना है, उनमें सबसे पहली बात कि ये कहाँ से गुजरेगा, तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरेगा। दूसरी, इसकी स्पीड कितना होती है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड पे इसलिए ध्यान दिलवा रहे हैं क्योंकि आगे चल करके और भी आएगा स्पीड सभी का, और उसमें पूछा जाता है कि सबसे तेज गति से कौन सा भूकंप चलता है, ठीक ना। तब उस वहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसलिए पी तरंग की जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और ये जो होता है ये तरंग अधिक होती है कहाँ पर, तो सभी तरंगों से इसकी गति अधिक होती है। इसलिए क्योंकि जो दूसरा होता है उसका लगभग 4 से 5 किलोमीटर होता है, और तीसरा जो होता है 2 से 3 के बीच में, लगभग 1.5 से 2-3 के बीच में तीसरा होता है, आगे मिलेगा। अब देखिए कहता क्या है कि पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया जो मार्ग होता है वो नतोदर होता है। दूसरा पे दूसरा जो है जिसे हम सेकेंडरी तरंग या एस तरंग कहते हैं, ये क्या होता है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी कि ये भी याद रखिएगा कि भूकंप का वह कौन सा कंपन है या भूकंप का वह कौन सा प्रकार है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, तो द्वितीय या एस तरंग को। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरेगा, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? जो द्वितीय तरंग होता है केवल ठोस माध्यम से, कहने का मतलब जो पर्वत पठार वाला जो हिस्सा रहेगा पृथ्वी के अंतर्गत, उस वाले हिस्से से ठोस रूप में गुजरेगा। जबकि पहला जो क्या था, प्रत्येक माध्यम में यानी कि ठोस द्रव गैस कहीं भी वो जा सकता था। तीसरा जो हमारा होता है तरंग, उसे हम एल तरंग कहते हैं, एल वेव कहते हैं। जो होता क्या है कि इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि तीसरी तरंग को धरातल तरंग या लंबी तरंग के नाम से जानेंगे। और इन तरंग की खोज जो है H.D. लव ने किया था, और ये इन्हें कई बार लव वेव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लव वेव यानी कि एल वेव। क्या समझ गए? इसकी खोज जो है कौन किया था, तो H.D. लव ने किया था, इसलिए इसका नाम लव वेव के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ
जो सतही तरंग अथवा एल तरंग है इसे हम आर वेव, रे लाइट वेव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आपको दो तीन गो नाम मिला, उसको याद रखिएगा। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती है, यानी कि धरातल के आसपास तक ही रहेगा ये। साथ ही साथ क्या कहता है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकता है, यानी कि सतही तरंग और प्राइमरी तरंग ये दोनों जो है तीनों माध्यम से जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो सतही तरंग है उसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर या 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच तक होता है। और सतही तरंग जो जब आएगा तो अत्यधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि जो स्पीड से आता है वो आराम से डायरेक्टली निकल जाता है, समझ ही नहीं आता किसी को कि हुआ क्या। और जो ये एल तरंग है, एल तरंग थोड़ा आराम से आता है, आराम आराम से गिराते गिराते एकदम मारते मारते सफाया करते जाता है। तो ये सफाया करने के कारण जो एल तरंग है सबसे खतरनाक होता है। और पूछा जाता है हमसे प्रश्न कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन सा तरंग होता है, तो एल तरंग बोले, आर वेव बोले, सतही वेव बोले, सरफेस बोले, सब के सब एक ही है, और एक जो है वही सबसे खतरनाक होता है। कहता है कि भूकंपीय तरंगों का जो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, और इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। यानी कि सिस्मोग्राफ क्या मापेगा, तो भूकंपीय तरंग को मापता है, और सिस्मोलॉजी क्या होता है, तो भूकंपों का अध्ययन होता है। सिस्मोग्राफ से मापने पर क्या क्या तथ्य निकलता है वो जाने, तो कहता है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर उसका वेग घट जाता है। यानी कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब भूकंप का तरंगीय वेग अधिकतम घनत्व से होकर के गुजरेगा, यानी कि अधिक डेंसिटी वाला से, तो उसका वेग जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका वेग भी बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा तो उसका वेग भी घटेगा। यानी कि भूकंपीय तरंगों का घनत्व से परस्पर संबंध है, जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। दूसरा कहता है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो सकता है, यानी कि होता है। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी वेव जो होता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरता है, और आप जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं और वो किसका बना होता है। कोर कहलाता है, निकेल और फेरस का बना होता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व होता है, 16% आयतन होता है। बताए तो थे, भुलाई गेल हो, क्रस्ट कोर मेंटल पढ़े थे, तीन गो बजाइए ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं पढ़े थे, याद कर लीजिएगा, पूछता है, आ गया ये। अब कहता है कि गौण तरंगे, गौण तरंग क्या है, तो द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। जो गौण तरंग होता है वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजरेगा, एल तरंग केवल धरातल के पास से गुजरता है। गौण तरंग कहते हैं किसको, तो दूसरा को, ठीक है। तो दूसरा का जो है पदार्थ से नहीं गुजर सकता, क्योंकि वो सिर्फ ठोस से गुजरता है, द्रव से नहीं गुजरेगा। और एल तरंग यानी कि तीसरा का, यानी कि सतही, और सतही जो है केवल धरातल, तो उसका नाम में ही छिपा हुआ, सतह, सतह मतलब धरातल, धरातल मतलब सरफेस। यानी कि ये तीनों जो है तीन तरह से, पृथ्वी का जो प्राइमरी होता है भूकंप का वो केंद्रीय भाग से गुजरेगा, दूसरा का जो होता है एस वेव वो द्रव से नहीं गुजरेगा, सिर्फ ठोस से गुजरेगा, और तीसरा जो होता है वो ऊपर ऊपर सतह से गुजरता है, और सबसे विनाशकारी सतही भूकंप होता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, कहता है कि विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि जब तीनों तरंग जो है किसी भी माध्यम से जाने पर परिवर्तित और अपरिवर्तित होता रहता है। अब कहता है केंद्र, केंद्र क्या होता है, तो कहता है कि भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं, जहां से वो उठेगा उसको हम केंद्र कहते हैं।
भूकंप के केंद्र के निकट पी एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ ही 11,000 किलोमीटर की दूरी तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हमारे लिए जरूरत की चीज है। क्या कह रहा है कि भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। कौन कौन सा? 11,000 किलोमीटर तक भूकंप केंद्र से धरातल की ओर तक पी और एस यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव पहुंचता है। केंद्रीय भाग यानी कि कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है, यानी कि केंद्र तक जाते जाते, केंद्रीय भाग तक जाते जाते, ध्यान से समझिएगा, एक भूकंप का केंद्र होता है, एक पृथ्वी का केंद्र होता है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध बता रहा है। एक जो है यहाँ पर जो अभी हम केंद्र पढ़ रहे हैं वो केंद्र कहला रहा है, किसका? तो भूकंप का केंद्र। और जो केंद्रीय भाग है वो कोर, वो पृथ्वी का है। तो ध्यान से समझिएगा, केंद्र कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि कोई भूकंप जो है पटना से उत्पत्ति हो रहा है तो उसका भूकंप का केंद्र पटना कहलाएगा, ना कि वो पृथ्वी का केंद्र कहलाएगा। हमारा केंद्र विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझ रहे हैं हम लोग कि भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी और एस यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव है ये पहुँचता है, जबकि केंद्रीय कोर पर पहुंचते पहुंचते वही एस तरंग जो है लुप्त हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाता है और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती है यानी कि अपवर्तित हो जाता है। और इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती और उस क्षेत्र को हम शैडो जोन कहते हैं। यानी कि 11 और 5 16 100 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर तक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव पहुंचने की क्षमता होती है। जो सेकेंडरी वेव होता है पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच पाता है और बाकी के जो 5,000 तक आगे की जो दूरी है वहां तक कोई भी वेव यानी कि ना प्राइमरी ना सेकेंडरी पहुँच पाता। और जिस हिस्से में, जिस क्षेत्र में भूकंप नहीं पहुंच पाता है उस क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। अगला आता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या है? तो ये कहता है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, ध्यान देंगे, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचता है, यानी कि हमें सिर्फ यही याद रखना है। और साथ ही साथ अधिकेंद्र का इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, ईपी सेंटर, क्योंकि कभी कभी ईपी सेंटर ही आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और वहां पर पूछेगा कि भूकंप की जो प्राइमरी तरंगे हैं वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो अधिकेंद्र पर पहुंचता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। ये सब पॉइंट अभी आगे बहुत सारा आएगा, सुनामी आएगा, फिर आपका और भी दो चार नाम आएगा, वो सभी नाम अभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे और भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो देखिए क्या कह रहा है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहर को जापान में सुनामी कहा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ की भूकंप जापान में सुनामी कहलाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। साथ ही साथ कहता है कि इसके 3 स्केल होते हैं, एक रॉसी फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा रिएक्टर स्केल, जिसमें रिएक्टर स्केल आप सबको पता होगा, बाकी दो और याद रख लीजिएगा बीपीएससी के अनुसार, काहे कि वो कभी भी कुछ भी चारों को पसंद करवा दे सकता है, ठीक है। तो 5वां ऑप्शन है ये है, इसलिए रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, ये सभी के सभी आपका भूकंप की तरंग मापने वाला। कभी कभी तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ देगा कि रॉसी फेरल स्केल किससे संबंधित है, तो हमने कन्फ्यूज आ जाइएगा तो फिर उधर हो जाएगा लफड़ा,
एगो स्केल होता है, स्केल मतलब क्या होता है बताइए तो, स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल आखिर होता क्या है? पैमाना, मापन। हाँ, मापन पैमाना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाँ, जैसे कि एगो स्टील के बनल स्केल हम लोग यूज करते, एगो कांच के बना हुआ स्केल यूज करते, प्लास्टिक का यूज करते। तो स्केल का मतलब होता है पैमाना, मापन, यानी कि मापने वाला जो होता है वो, और उसी में जो जिस चीज को माप रहा है उसमें स्केल लगा हुआ है, उससे संबंधित रहेगा। जैसे कि अब हम लोग पढ़ते थे वो स्टील स्केल होता है, स्टील स्केल मतलब कि वो स्टील का बना रहता है, वो सभी हम लोग नॉर्मली लाइन वगैरह खींचने के लिए तो वो इसी नॉर्मल रहता है, वो सब का यूज होता है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वो सब के लिए जिस तरह से उधर होता है, उसी तरह से मरकेली, रोसीफेरल, रिएक्टर, ये सभी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक पैमाना है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा क्या है रिएक्टर स्केल का, क्योंकि रिएक्टर स्केल से ही प्रश्न पूछा जाता है, बाकी सब तो बहुत कम ही दिखता है। कहता है कि भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में किया, यानी कि रिएक्टर स्केल जो है 1935 में आया। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। यह भी याद रखेंगे रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना है, यानी कि टोटल 9 तक, तो यानी कि 90 तक है। कहता है कि इसके स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ है शक्तिशाली भूकंप। यानी कि 2 से 3 तक रहेगा तो नॉर्मल, 3 से 6 के आसपास तक रहेगा तो ठीक है मीडियम, और 6.2 या उससे अधिक रहेगा तो शक्तिशाली, यानी कि भयंकर वाला। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इस प्रकार हमारा भूकंप हो गया समाप्त। तो अगर यहाँ से अब निचोड़ बतावे आपको याद रखने वाली, तो सबसे पहला कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे। भूकंप के 3 गो तरंग होता है, पी, एस और एल। पी तरंग जो होता है सभी माध्यम से गुजरता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है, सबसे अधिक स्पीड होता है। दूसरा होता है एल तरंग, सॉरी एस तरंग, जिसे अनुप्रस्थ तरंग या गौण तरंग कहते हैं। गौण तरंग केवल ठोस से गुजरता है, किसी माध्यम से नहीं गुजरेगा। तीसरा होता है हमारा एल तरंग, यानी कि सतही तरंग या धरातलीय तरंग, जिसे हम लव तरंग या फिर आर वेव भी कहते हैं। ये सभी जो होता है इसका 1.5 से 3 किलोमीटर स्पीड होता है, तीनों माध्यम से कहीं भी जा सकता है, मगर सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है एल तरंग। सिस्मोग्राफ हम लोग जान गए भूकंपीय तरंग को मापने वाला होता है, बाकी और कुछ भी उस तरह से याद रखने की चीज़ नहीं है। बाकी केंद्र में अगर आप याद रखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, तो 11,000 किलोमीटर तक पी और एस तरंग पहुंचेगा, जबकि एस तरंग जो है कुछ दूरी पर जाने के बाद, यानी कि केंद्र तक पहुंचने से पहले ही लुप्त हो जाता है, और 11,000 किलोमीटर के बाद जो है 5,000 किलोमीटर की दूरी तक भूकंप का कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाता, और ऐसे क्षेत्र को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। बाकी एक और याद रख लेना है अधिकेंद्र पर, कि अधिकेंद्र पर सबसे जल्दी पहुँचने वाला जो है वह होता है प्राइमरी तरंग, और उसके बाद रिएक्टर स्केल आपको याद रख लेना है कि किससे संबंधित है। ज़्यादा घुमाएगा तो पूछ लेगा 1935 की स्थापना मतलब खोज, और चार्ल्स रिएक्टर 6.2 से अधिक का भूकंप विनाशकारी माना जाता है, उससे नीचे वाला नॉर्मल, और भी उससे नीचे एकदम नॉर्मल। यानी कि इतना निचोड़ जो है आपको भूकंप से याद रखने वाला है, इससे बेहतर ज़्यादा कहीं पर कुछ प्रश्न नहीं पूछता। ये वो बच गया सुनामी, जो कि जापान के अंतर्गत वही भूकंप, हमारे यहाँ भूकंप है उसके यहाँ सुनामी है। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक किन्हीं को बोलिएगा? नहीं, नहीं सर। अब आइए विभिन्न स्थलाकृति पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक। अब यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोगों को याद करना है, बहुते सारा है मगर कुछ चीज, और ज्यादा जो है मतलब और भी है वो सब जो है वो आपको यूपीएससी में पूछता है, मतलब ऐसे हमारे एग्जाम में वो जल्दी नहीं पूछता, और यूपीएससी में पूछता कैसे है, कथन कारक वाला में 3 गो 4 गो दे देगा, कहेगा लोयस क्या होता है, संप्राय मैदान क्या होता है, निक्षेपात्मक मैदान क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया रहेगा, कहेगा निम्न में से कौन से कथन सही है, 2 गो सही रहेगा, 1 गो गलती रहेगा, 1 गो आपको समझ ही में नहीं आएगा, मतलब वो भी गलती रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए आइए विभिन्न स्थलाकृति पे आते हैं। क्या कहता है कि निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के निर्माण मतलब बनता है, जिसके आधार पे कौन कौन सा, पर्वत, पठार और मैदान।
अब यही हमको पढ़ना है, पर्वत, पठार और मैदान, जो कि अलग अलग तरह के पर्वत होता है, अलग अलग तरह के पठार होता है, अलग अलग तरह के मैदान होता है, और बड़ा खतरनाक चैप्टर है ये। जरा संभालिएगा, कान और ध्यान एकाग्र कीजिएगा, मजा आएगा। देखिए, सबसे पहला कहता है पर्वत। पर्वत भी जो है उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के, यानी कि पर्वत चार प्रकार का, कौन कौन सा? ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत, जिसमें से हमको ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत और बलित पर्वत तीन गो के एग्जाम्पल, और वो होता क्या है, ये तीन चीज तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा आता है वह आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन के नाम से जब जाना जाता है, तो कहता है कि जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता हो, बीच का भाग जब नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, कुछ इस प्रकार से। अरे मतलब उंगली बना के देखिएगा, उंगली बनाइएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, रुकिए दिखाते हैं, कोई मेरा शक्ल नहीं देखिएगा, अभी बंदर जैसा लग रहे हैं, हाथ देखिएगा खाली। ठीक है, छोड़िए, बैक कैमरा से चालू करते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, इसको ऐसे बनाइएगा, ये वाला, ये जो बन रहा है, ये आपका बनेगा, जो बनेगा क्या, अभी कहे गिर रहा है, मोबाइल वो नहीं चाहता कि हम पढ़ावे आप लोग को, गिर रहा है। ये वाला बनाइएगा ना, ये अभी ऐसे है, इसको ऐसे कीजिएगा, ये उठाइएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत। बाकी नॉर्मल आप पिक्चर वगैरह देखिएगा, गूगल करके दिख जाएगा उस तरह से, या फिर कभी जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तब ये सबको समझा देंगे और बेहतर। आइए, छोड़िए ना, नहीं आया तो क्या दिक्कत है। जो आया उसका इंतजार कीजिए, जो नहीं आया उसको छोड़ दीजिए। चलिए, क्या कह रहा था कि ब्लॉक पर्वत पढ़ रहे थे ना, तो जाने दीजिए, नहीं समझ में आया तो अंजुरी बांधे आता है, मुट्ठी बांधने आता है ना, मुट्ठी बांधिए, आज उंगली है ना उसको जोड़िए, देखिए बताते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसे ये वाला जो है ना, ये अभी है, इसको ऐसे कीजिए, ये वाला, तो ये बीच में जो धासा दिख रहा है और ये जो मेरा ऊपर दोनों उठा दिख रहा है, यही आपका ब्लॉक पर्वत है, समझ गए? अब समझ में आया? नहीं आया तो भी मुबारक। अब आइए, क्या कहता है कि ब्लॉक पर्वत कहता है कि जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तथा अगल बगल वाला भाग ऊपर उठा प्रतीत होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ना समझ में आता है तो जाइएगा खेत में, मोबाइलवा में एकर फोटो खींच के लेके जाइएगा, ठीक, अब मिट्टी जमा कर करके बनाइएगा, कोई आकर के पूछेगा कौची बना रही है, तो कहिएगा पर्वत बनवाई तो रहे ला। ठीक, अब देखिए क्या कहता है कि बीच में धसे भाग को रिप्ट घाटी कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, रिप्ट घाटी याद रखिएगा, कि ब्लॉक पर्वत के तहत बीच में धसे हुए भाग को रिप्ट घाटी या रिप्ट वैली कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कागारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सा? बॉसजेस पर्वत जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, साल्ट रेंज आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बहुत बार ये सब याद भी करवाए होंगे सांबला क्लास में, और बीच बीच में दोहराते रहते ही हैं, है ना, तो ये सब याद रखिएगा। कौन कौन सा? बॉसजेस है फ्रांस का, जो कि ब्लॉक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक ब्लॉक तो आपको डायरेक्टली याद वहाँ से भी हो ही जाएगा, साल्ट रेंज जो है आपका पाकिस्तान में है, वह भी एक तरह का ब्लॉक पर्वत है, बाकी आपका काम है याद करना। अब देखिए, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, यहाँ से एक दो सिद्धांत पूछा जाता है कभी कभी, मगर पूछा जाता है, पूछा गया भी है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है भूसन्नति। भूसन्नति किसका? तो कोबर। देखिए इसको याद करवा दें, बोले जल्दी। यस सर। हाँ देखिए, भूसन्नति, सन्नति में से संतान निकालिए, सन्नति को संतान बनाइए, और संतान जो है कैसा है? कोबर को बना दीजिए गोबर, संतान कैसा है? गोबर है, गोबर मतलब नहीं कहता, एकदम गोबरे है का दिमाग से वैसा, तो भूसन्नति जो है कोबर हो गया। तापीय संकुचन, दूसरा क्या है? तापीय संकुचन, संकुचन जे फ्रिज, अब ताप बढ़ेगा तब फ्रिज में जाके क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे, ठंडा कर देंगे,
यानी कि तापीय संकुचन किससे संबंधित है, जेफ्रिज से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, ये तापीय संकुचन पूछा हुआ, और एगो पूछा हुआ बताएंगे। अगला है महाद्वीपीय फिसलन, अब देखिए कितना बढ़िया नाम है महाद्वीपीय फिसलन, यहाँ पर फिसलन मतलब समझवे करते होंगे ऊपर को उठना, फिसलन मतलब क्या होता है ऊपर उठना ना, गिरना होता है ना, फिसलेंगे तो ऊपर जाएंगे ना, गिरिएगा तो देखिए फिसलन हुआ, फिसलन मतलब फिसलना, फिसलना मतलब गिरना, और डेली देखिए तो डेली 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 फिसलते रहता है, ठीक ना, एकदम गिरा हुआ इंसान है, डेली डेली फिसलते रहता है, गिरते रहता है, तो ये हो गया महाद्वीपीय फिसलन डेली। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन है ये ध्यान दीजिएगा, फिसले वाला डेली डेली, अब विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, एक तरह से समझिए बंटवारा होता है ना, विस्थापन मतलब बंटवारा, अब बंटवारा मतलब बेगनर, बेगनर को बनाइए कुछ, हाँ बेगनर गाड़ी का बंटवारा कर दीजिए, दो भाई मिलकर के दो दो चक्का आगे से दो चक्का पीछे से दोनों के बांट दीजिएगा, तो बेगनर गाड़ी का विस्थापन, हाँ बेगनर वाला पूछा हुआ है, वही बता रहे हैं ना कि कुछ क्वेश्चन आते रहता है इसका, तो महाद्वीपीय विस्थापन बेगनर, तो बेगनर गाड़ी का विस्थापन करवा दीजिएगा, अब नहीं तो विस्थापन मतलब एगो और नॉर्मली जो अगर फिजिक्स की भाषा में समझे तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो बेगनर गाड़ी के जो रोड में पार्क कर दीजिएगा, रोडवा पर लगा दीजिएगा, तो विस्थापित करवा देगा ना, टांग के लेके चल जाएगा सीधे थाना में, हो गया विस्थापन, ठीक तो वो हो गया, तो बेगनर गाड़ी का विस्थापन हो गया। आगे देखिए संवहन तरंग, और इधर को चाहिए होम्स है, होम्स मतलब क्या होता है घर, घर, और संवहन में से सा हटाइए तो क्या बचा, संवहन में से, संवहन से सा हटा दीजिए तो कुछ बताओ बहन बचा ना, अब और तरंग में, तरंग में से बीचवा से रा हटा दीजिए कुछ बचा, बहन को जो है तंग, हाँ बहन को जो है तंग करेंगे कहाँ, घर में, होम्स में, बहन को तंग करेंगे कहाँ, घर में यानी कि होम्स में, तो संवहन तरंग क्या हो गया होम्स में। आगे देखिए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, अब देखिएगा रेडियो एगो जॉकी होता है, जॉकी नाम सुने रेडियो जॉकी, आरजे कार्तिक कौन कौन होता है, तो यहाँ से जॉकी से जोली हो गया, जॉकी से जोली हो गया, तो रेडियो जॉकी निकाल दीजिए, रेडियो एक्टिविटी जॉकी यानी कि जोली, तो ये हो गया, और प्लेट विवर्तनिक तो आपको याद है, ये है हैरी हेस, याद है ना प्लेट विवर्तनिक हैरी हेस, याद रह गया, सब याद रख लीजिएगा इसी। संतान कैसा है, गोबर है, भू संतनी संतति सन्नति गोबर, तापीय संकुचन फ्रीज जेफ्रीज, महाद्वीपीय फिसलन डेली डेली फिसलेगा, महाद्वीपीय विस्थापन बैगनर गाड़ी का विस्थापन करेंगे, संवहन तरंग बहन को तंग करेंगे होम्स में घर में, रेडियो एक्टिविटी रेडियो जॉली जोली, प्लेट विवर्तनिक हैरी हेस, ये सब आपको याद रखना है, प्रश्न आते रहता है, घूमते फिरते रहता है, तो याद रखिएगा। कोई दिक्कत, याद हुआ सबको, एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा अपने से। अब देखिए नोट में क्या दिया है कि प्लेट विवर्तनिक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता। शब्द जो है प्लेट विवर्तनिक की वो दिया कौन, टूजो विल्सन, उसके सिद्धांत पर व्याख्या कौन दिया, डब्ल्यू जे मॉर्गन, और प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत कौन दिया, तो हैरी हेस, तीन गो प्लेट विवर्तनिक से संबंधित है, शब्द देगा टूजो विल्सन, सिद्धांत की व्याख्या कौन करेगा, डब्ल्यू जे मॉर्गन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कौन देगा, तो हैरी हेस देगा। क्लियर, नोट कहता है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन से होती हुई जम्बेजी नदी तक 4,400 किलोमीटर लंबी है, ये वाला हमेशा पूछते रहता है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, तो जॉर्डन नदी की घाटी होती है, ठीक है। रिफ्ट घाटी का मतलब क्या, रिफ्ट घाटी का मतलब क्या, जल्दी बताइए, बीच में धंसा हुआ भाग रिफ्ट घाटी कहलाता है, तो ये हो गया हमारा रिफ्ट घाटी यानी कि ब्लॉक पर्वत। अब दूसरा में आइए,
दूसरा है हमारा अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन यानी कि बचल खुचल। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते, यानी कि चट्टान जब टूटता उठता है ना तो अपरदन के बाद ये निर्मित होता है। जैसे कि अपने भारत में जो है लगभग लगभग जो भी है सब अवशिष्ट है ना, तो फिर बलित में आता है काबू। तो देखिए अवशिष्ट पर्वत में कौन कौन सा, विंध्याचल सतपुड़ा यानी कि ये दोनों जो है मध्य प्रदेश के हिस्सा में आता है, उत्तरी भारत दक्षिणी भारत को बांटने वाला। नीलगिरी आपका दक्षिणी भारत का ये तमिलनाडु के हिस्सा में। पारसनाथ आप लोग बताइएगा कहाँ है, पारसनाथ की झारखंड के आसपास के हिस्सा पारसनाथ पड़ता है। राजमहल की पहाड़ी ये कहाँ पड़ेगा, झारखंड के आसपास में पड़ेगा राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद आता है ये हाँ भागलपुर वाला, मतलब ये एक तरह से हमारा बाउंड्री बनाता है इधर से, क्या बोलते हैं भागलपुर का नहीं पड़ता है इधर, क्या नाम है पूरब साइड में, हाँ पूरब साइड में हमको बाउंड्री बनाने का काम करता है। आगे कहता है सियरा, सियरा कहाँ का है, स्पेन। सियरा स्पेन का है। और गैसा और बूटे कहाँ का है, गैस पे भुट्टा भून दीजिए अमेरिका का है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है तो ये सब जो है हमारा। एगो गोसाई थान पर्वत होता है बताइए, तो इसी साइड से पूछ रहे हैं वो बताइए। सर नेपाल का है, नेपाल का है हाँ, गोसाई थान नेपाल में। चलिए तो ये हो गया अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन कौन कौन सा, भारत का हो गया विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत, राजमहल की पहाड़ी हो गया, विदेशों में स्पेन का सियरा, अमेरिका का गैसा बुट्टे, गैसा बुट्टे आपका अवशिष्ट पर्वत। विंध्याचल पर और ये ब्लॉक पर्वत में कैसे आएगा, रहता तो उसमें देता ना, तो नहीं रिप्ट घाट, नहीं एक मिनट, रिप्ट घाटी का मतलब ब्लॉक से नहीं संबंधित है, रिप्ट घाटी का मतलब है कि दो पर्वत के बीच की घाटी, हम किसको कहते हैं पर्वतों के बीच के हिस्सा है ना, जहाँ से रास्ता निकल जाए पानी बहाव की रास्ता निकल जाए उसको कहते हैं घाटी, उससे ब्लॉक पर्वत, रिप्ट घाटी यहाँ पर जो दे रखा है उसको ब्लॉक पर्वत से रिलेट करना जरूरी नहीं है, दो पर्वतों के बीच की धसी हुई भाग को हम घाटी कहते हैं सीधा सीधा। अक्सर सुनते होंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख ही सबके हिस्सा में कि ये घाटी में ऐसा हुआ, ये घाटी में ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश के सबके, तो पर्वतों के बीच का जो खाली हिस्सा जिससे पानी वगैरह आने जाने का रास्ता रहता है उसको हम वैली या घाटी कहते हैं। ठीक है आ गया, ये संचित पर्वत पे आइए, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ये क्या कहता है कि भूपटल पर मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत जो होता है वो संचित पर्वत कहलाता है। क्या है, भूपटल पर मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक स्थान पर जब जमा हो जाता है, यानी कि मिला जुला के जितना छोटा मोटा चीज जो ऊपर जमीन पे होता है वो सब जमा होकर के एक जगह जमा हो जाएगा तो उसको कहते हैं संचित पर्वत। संचित का मतलब ये क्या होता है, जमा करना, गेहूं चावल दाल सब्जी को जमा कर दीजिए वो पर्वत जैसा दिख जाएगा, तो संचित पर्वत मतलब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे बालू पत्थर लावा ये सभी होगा वो सबको जमा कीजिए वो आपका संचित पर्वत होता है। और रेगिस्तान में बनने वाला जो स्तूप बालू का हवा से अन्य से चलता है तो उधर जाके टिल्ला बन जाता है, अन्य से चलता है तो अन्य टिल्ला बन जाता है, उसको कहते हैं संचित पर्वत। अगला है हमारा बलित पर्वत, बलित यानी कि फोल्ड माउंटेन। ये क्या कहता है, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से चट्टान जो है मुड़ हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और ऐसा पर्वत कैसा होता है, लहरिया मारता है, लहरदार होता है। ठीक ना, तो लहरदार पर्वत बलित पर्वत कहलाता है। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है, हिमालय है अपना हिमालय, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत, एगो कुछ बुझा रहा है। देखिए तो सभ्य के सभ्य पर्वत जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक जगह का कहीं ना कहीं का ये सबसे बड़का पर्वत है, ध्यान में आता है कुछ, हिमालय पर्वत, हाँ देखिए हिमालय पर्वत अपने यहाँ एशिया वाला का सबसे ऊंच का, आल्प्स पर्वत आपको मिल जाएगा यहाँ पे मध्य यूरोप के आसपास में यूरोप तरफ, यूराल पर्वत हमको रूस के आसपास मिल जाता है, रॉकी पर्वत हमको ऊपर कुछ मिलता है उत्तरी अमेरिका में मिल जाता है, और एंडीज हमारा नीचे मिल जाता है दक्षिणी अमेरिका में, सही बोले ना जी, एंडीज रॉकी, हाँ ठीक है, एंडीज मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका, रॉकी मिलेगा उत्तरी अमेरिका। तो हम यहाँ से एगो चीज़ याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, क्या
कि हर एक महाद्वीप में या महादेश में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो सब बलित पर्वत है। अनुमान लगाइए, लगभग जितना भी नाम है सब वहाँ के ऊंचा या लंबा या बड़ा पर्वत है, सबके सब जो है बलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है। तो वहाँ से भी ऑप्शन में कभी अगर ध्यान में आ जाए तो छाटने का प्रयास हम कर सकते हैं। सही बोले, कोनो दिक्कत? चलिए नोट में क्या कहता है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विशाल बलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन का जो कह रहा है कि आज से 30 मिलियन वर्ष हमारे दादा के दादा के दादा के दादा जहाँ तक जाइए वहाँ तक, उसके पहले आगे देखिए क्या कहता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। बात समझ गए? अब यहाँ से देखिएगा, अब सब वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तीर लगेगा तो एकदम सीधे खोपड़ी में, जहाँ तिरछा मुड़ेगा तो फिर जाएगा दूसरे के झोपड़ी में। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी अपना माउंट एवरेस्ट 8848, कहीं पर 50 मिलेगा कहीं पर 8848.86 मिलेगा, मिला जुला के वही जो कहाँ है नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर अफ्रीका वाला माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर जो कि तंजानिया में अवस्थित है, और अभी हमने पढ़े थे किसमें, ज्वालामुखी में। तो जल्दी से बताइए किलिमंजारो ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है, शांत सुसुप्त या सक्रिय? शांत है। किलिमंजारो जो है वो शांत ज्वालामुखी है, अफ्रीका में मिलता है, तंजानिया में मिलता है। और ये किलिमंजारो क्या है तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर भी है, चोटी भी है। कहता है कि बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नाम का एक विशाल भू अभिनति या भूद्रोणी हुआ करता था। धीरे धीरे टकराते टकराते सब ऊपर चढ़ गया और बन गया एगो बलित पर्वत। कहता है कि दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। यानी कि हिमालय की जो निर्माण है वो प्लेट टेक्टोनिक क्रियाविधि से हुआ है। और कभी कभी पूछा जाता है, टेथिस सागर वाला हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा। फिर है कि भारत का अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। जो भारत वाला जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, हाँ, गुजरात के बाउंड्री से शुरू होकर के दिल्ली तक जाता है, रायसीना हिल। तो देखिए क्या कहता है कि भारत का जो है अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 17-22 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण मानते हैं, यानी कि मिला जुला के ये दोनों पर्वत है, अपशिष्ट और बलित दोनों। ऑप्शन देखा कीजिएगा कैसा बोलता है, ऐसे ज्यादातर ये अपशिष्ट पर्वत में ही आता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पर्वत। पर्वत हम पढ़े के प्रकार के, चार प्रकार के, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, बलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत क्या होता है, हमारा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, पाकिस्तान वाला कुछ था साल्ट रेंज, और एगो फ्रांस का था बॉसजेस, तीन को हमारा आ गया ब्लॉक पर्वत से। फिर अवशिष्ट पर्वत में हम पढ़े भारत के दोनों ओर बांटे वाला, उत्तरी और दक्षिणी को बांटे वाला, विंध्याचल सतपुड़ा, नीचे सबसे नीचे का नीलगिरी, उधर से चले जाएंगे तो झारखंड के तरफ हमारा पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ी, और दो गो विदेशी है गैसा बुट्टा अमेरिका का, सियरा स्पेन का। संचित पर्वत में खाली हमको ये याद रखना है रेगिस्तान में बनने वाली बालू के टीले संचित पर्वत के उदाहरण है। और बलित पर्वत के अंतर्गत सभी देश महाद्वीपों का जो है सबसे ऊंची पर्वत जो होती है श्रेणी, वो सबसे बलित पर्वत के अंतर्गत मानी जाती है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, देखिए कितना बेहतरीन याद हो गया। यानी कि सब महाद्वीप का जो भी उच्च का पर्वत है सबको मान लीजिएगा, एकागो ऐसा होगा जो छटेगा, बाकी अधिकांश आपका बलित पर्वत में आता है, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा। इतना तो सबको याद होगा कि अमेरिका के कौन सा होता है, दक्षिणी अमेरिका के कौन सा होता है, याद है ना, कि किन्हीं को नहीं याद है? हर एक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी सबको याद है?
कल परसों से जब महाद्वीप शुरू होगा, छठा नंबर चैप्टर जब शुरू होगा तब याद हो जाएगा। याद नहीं है, झूठ मूठ याद नहीं है, सब याद है। कितना बार हम शाम में करवाए हैं, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया, आल्प्स मध्य यूरोप, यूराल रूस, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, किलिमंजारो तंजानिया, पारसनाथ भारत, नहीं याद करवाए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, कितना बार याद करवाए। शाम वाला क्लास जो नई ज्वाइन कीजिएगा उनको सबसे ज़्यादा घटा होगा। येरा में तो सब्जेक्टिव है, एक का वो चैप्टर चलता है। सम्मा वाला में कुछ ही चलता है जी, पूरा दाल भात खिचड़ी चोखा पापड़ अचार एकदम छप्पन भोग। जिनकर शाम वाला क्लास कंटिन्यू रह गया उनका छप्पन भोग सब तरह के मिलेगा। क्या बोले, तो वही वही उसको जो पचा लिए उनकर समझ लीजिए कल्याण है। शाम वाला खाना जो पचा लिए उनकर नींद बड़ा बेहतरीन आता है। बिल्कुल, देखिए रात में सब कुछ कहता है कि खाना इतना खाओ जरा से कि पच जाए, नींद अच्छा है। तो शाम वाला वही आखिरी टॉनिक है, जरा से नींद बड़ा बेहतरीन आएगा आगे जाके फ्यूचर में, वही है वो खाना। शाम वाला जिनकर कंटिन्यू रह गया वो इस यदरा में जितना अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन किसी न किसी दिन हर दिन कुछ ना कुछ ये सब रिपीट होते रहता, किसी भी प्रकार से हो जाए, कहीं से आ जाए, जैसे भी आ जाए आ जाता है। और हमेशा ये सब जब पर्वत आता तो कैसे जी एक बार में पूरा पर्वत लपेट देते हैं, कोई घास का मैदान आता तो एक बार में घास का मैदान लपेट देते हैं, कोई झील आता है तो झील लपेट देते हैं। तो इससे रिवीजन होता है, रिवीजन होता है तो फिर आपका खाना पच जाता है, भविष्य का नींद सही आएगा। आइए अगला आते हैं हम पठार पे। पठार को क्या कहते हैं, प्लेच्यू कहते हैं, ठीक है। कहता है कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता, अपने आसपास मतलब एगो धरातल है, मतलब सीधा सा समझ लीजिए एगो दस वो लड़कों का समूह है, वो लड़कों के दसों के बराबर अगर जो कर दीजिए तो वो नहीं कहलाएगा कुछ ना, वो धरातल कहलाएगा। अब एगो चार फीट दो इंच वाला, एगो पाँच फीट वाला, एगो चार फीट चार इंच, चार फीट पाँच इंच, चार फीट छः, ऐसे वाला कर करके लगा दीजिएगा तो वो सब आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। मगर पठार का एगो शर्त है, ये कहता का है ना कि जब ये ऊंचा होता है तो इसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, मतलब जेकरा पर हम आसानी से बैठ सकते हैं। मतलब सीधा से समझिए एगो चाकू और एगो हथौड़ा, हथौड़ा समझते हैं ना, चाकू पे किसी चीज़ को कोई फल को रखिए वो कट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा, हथौड़ा पे कोई फल को रखिए नहीं होगा, है ना। तो जो पठार है वो हमारा वो हथौड़ा है, क्या है उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है चपटा होता है, जबकि पर्वत का जो होता है वो नुकीला होता है, ठीक ना, या इससे समझिए चाकू और हथौड़ा। और कौन कौन मेथड समझा दे आप लोग को। तो पठार क्या बोला कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार जैसे कि तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट, 7,800 फीट, ये सभी क्या है, पठार है। बात समझ गए, पठार की ऊंचाई ज़्यादा ना होता है, 300 से 500 होता है, मगर यहाँ पर कुछ है जो कि हमारा हिमालय से इस सबसे भी ऊपर है, मगर काहे इसको पठार में रखा गया, काहे कि ऊपरवा में जा कर के बन गया हथौड़ा, ऊपर एकदम सपाट हो गया, यानी कि आप आराम से वहाँ पर बैठ सकते, गिरिएगा नहीं, वैसा वाला, इसलिए इसको पठार कह दिया। तिब्बत का पठार है, बोलीविया का पठार है, पूछता है ना कि तिब्बत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, या फिर इसको एक और कुछ छत कहता है ना तिब्बत के पठार को, नहीं 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 इसको नहीं कहते, पामीर के पठार को कहते छत, हाँ पामीर के पठार को छत कहते। तो ये तिब्बत का पठार हो गया 16,000 फीट, बोलीविया का 12,000 फीट, कोलंबिया 7,800 फीट, तो ये इतना याद रखिए। अब आगे आइए, कुछ है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय क्या है कि पर्वतमालाओं के बीच, मतलब जो पर्वत दुगो है पर्वतों के बीच में बना हुआ जो छोटा छोटा जो रहेगा उसको अंतर पर्वतीय कहेंगे। पर्वत पदीय मतलब पर्वत के नीचे, पर्वत और मैदान के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है उसको पर्वत पदीय पठार कहते हैं। महाद्वीपीय पठार
जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ, जरा जल्दी से रिकॉल कीजिए आप लोग लैकोलिथ, हम आगे आते हैं। कहता है कि जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, कौन सा? महाद्वीपीय पठार। हम अभी बोले कौची कि लैकोलिथ, जरा याद कीजिए तो लैकोलिथ क्या होता है? कल हम लोग पढ़े थे लैकोलिथ और एगो लैपोलिथ। लैकोलिथ कौची था? तो कि गुंबदकार तो होता है मगर वो छतरी जैसा होता है, छाता वाला रहता है, उसको हम कहते थे कौची लैकोलिथ, है ना। जबकि वो लैपोलिथ था, एल ए पी ओ, लैपो कैसा था? प्लेट जैसा, तस्तरी नुमा। हाँ, तस्तरी नुमा। तो लैकोलिथ बोल रहा है, यानी कि ये समझिए कि पृथ्वी का भीतरी भाग जो लैकोलिथ, मतलब कैसा? लहरिया मारे वाला, लहरदार, है ना। भूपृष्ठ के कारण सतह पर उभर आता है, तब ऐसे पठार बनते हैं, छतरी नुमा वाला बनेगा। और ये कहाँ पर? तो दक्षिण का पठार जो है वो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण। एक होता है तटीय पठार, जो कि समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार है। और गुंबदाकार पठार क्या है? तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, राम जो है वह गुंबदाकार होता है चलन क्रिया से। और क्या है? रामगढ़ गुंबद, जो कि भारत में है। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में, रांची में सर, झारखंड में पड़ता है। तो रामगढ़ गुंबद जो है वो गुंबदाकार पठार है। दक्षिण का पठार आपका महाद्वीपीय पठार है, बाकी सब पठार है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला है मैदान, इसको यहीं पर रहने देते हैं पठार तक ही, मैदान हम लोग कल कर लेंगे। मैदान में थोड़ा लंबा भी पढ़ना है, उसके बाद सागरीय जल तरंग है, सागरीय जल तरंग भी कल पढ़ेंगे। और एक बार कोशिश कीजिएगा, ये जो मैदान है ना, मैदान एक बार आप लोग पढ़िएगा, काहे कि रहे बहुत सारा पूछेगा, बहुत सारा छोटा छोटा आता है। और उसके बाद है विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उससे पूछता है, इसको कल करेंगे हम लोग। मैदान तो ख़त्म कर देते हैं, रुकिए 2 मिनट रुकिए, मैदान ख़त्म हो जाएगा, कारक कल पढ़ेंगे। देखिए मैदान, देखिएगा क्या कहता है मैदान, यानी कि प्लेन। कहता है कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को, मतलब 500 फीट तक तो हमारा पठार है, 500 से नीचे तक जो रहेगा वो हमारा मैदान कहलाता है। मैदान भी मुख्य रूप से क्या है? तो अपरदनात्मक मैदान और निक्षेपात्मक मैदान, दो प्रकार का। कौन कौन सा? अपरदनात्मक में कौन कौन सा? तो जो नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से जो बनता है, उस मैदान को हम अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। मगर अब यहाँ से आपको याद रखना, सबसे पहला है लोयस मैदान। लोयस मैदान कहता है कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू से बना पदार्थ, सॉरी मैदान, वो कहलाता है लोयस मैदान। लोयस किसका रहेगा? तो हवा से जो उड़कर के आएगा और हवाओं से बनी हुई मैदान को हम लोयस मैदान कहते हैं। दूसरा है कास्ट मैदान। कास्ट मतलब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या और ये जो चूना वगैरह कुछ ही रहता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ ही रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वाला। तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान आपका क्या है? कास्ट मैदान है, चूना पत्थर इसमें रहेगा। संप्राय मैदान, संप्राय पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। संप्राय मैदान क्या होता है? कि समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदी के अपरदन के फलस्वरूप होता है। नदी अपरदन से होने वाले मैदान को संप्राय मैदान कहा जाता है। कहाँ? तो समुद्र तल के निकट रहेगा मैदान और नदियों के अपरदन के फलस्वरूप बनता है, वह कहलाता है संप्राय मैदान। ग्लेशियर आप सबको पता होगा, जहाँ पर हिम का जमाव होगा, बर्फ का, और उससे बना हुआ मैदान जो होता है वो ग्लेशियर मैदान कहलाता है, केवल वन ही पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी मैदान क्या है? कि वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप जो निर्माण होता है वो रेगिस्तानी कहलाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी होता है नहीं, मगर जब वर्षा के पानी आता है तो हल्का फुल्का उधर पानी से जो मैदान बन जाता है बालू उलू बह करके, वो मैदान क्या कहलाता है? रेगिस्तानी मैदान कहलाता है। तो आपको लोयस मैदान और संप्राय मैदान तो बिल्कुल भी याद रख लेना है, हवाओं से ला करके बनाए हुए मैदान आपका लोयस मैदान कहलाता है। हवाओं से याद आ रहा है, वो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, कोई कविता था ना जी? यस सर, कोई पढ़े हैं? सुनो बात मेरी अनोखी, हवा हूँ बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त,
सर फिफ्थ क्लास का है सर। फाइव क्लास में था। पूरा तुम्हारे चमन गए। हवा हवा बसंती हवा सर ना। हाँ हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, वही था ना। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। देखिए याद है हमको हाँ, तो ये बसंती हवा जो है लोयस मैदान है। क्या बोले? बहुत अच्छा कविता सर किया सर, क्लैप कर लेते हैं सर। अच्छा धन्यवाद। नहीं एक दिन और ही इसको हम पढ़ रहे थे चीज और कविता, वही से याद आ गया। बिल्कुल सर, हम लोग को भी याद दिहानी करा दिया। शायद चौथा पांचवा पढ़ना रहता था जानते है। हमको याद है इस जब इस वाला पढ़े थे ना चौथा पांचवा में, तो मेरे स्कूल के पास में ना एक जलेबी का पेड़ होता, पता नहीं ऐसे उसको क्या बोलता है, कोई और वनस्पति होगा, हाँ काटा होता और जलेबी जलेबी जैसा वो टेढ़ा टेढ़ा रहता है। हाँ तो उस पे जब हम लोग चढ़ते थे ना तो वो हवा चलता था, तो उस समय सर याद करवाए थे कविता, तो उस समय ये वाला खूब गाते थे, जलेबी तोड़ते थे और गाते थे। चलिए तो ये हो गया लोयस वाला, बिल्कुल याद रखिएगा, और संप्राय याद रखिएगा, बाकी और कोई नया भी याद रखिएगा, बाकी सब है जो अपने आप पकड़ाने वाला है। ग्लेशियर तो सबको इतना कॉमन सेंस है ये होगा कि जहाँ से बर्फ वगैरह निकलेगा, रेगिस्तान आपको उतना समझ में आइए होगा, कास्ट वाला खाली होगा थोड़ा सा लगता होगा अटपटा, तो चूना पत्थर याद रखिएगा, लोयस हवा वाला याद रखना, संप्राय जो नदी या समुद्र के निकट का जो रहेगा वो। अब कहता है एक क्या है थोड़ा सा है निक्षेपात्मक। निक्षेप मतलब क्या होता है कि नदी निक्षेप द्वारा, मतलब काट कटाव के जो लेके आता है, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, और इसके अंतर्गत क्या है हमारा गंगा सतलज मिसिसिपी हांगो का मैदान जो है ये सभी निक्षेपात्मक मैदान है। अगर पूछ ले कभी कि गंगा का मैदान कैसा मैदान है तो निक्षेपात्मक मैदान है। गंगा तो ना पूछेगा मगर मिसिसिपी हांगो पूछने की चांस रहता है। मिसिसिपी कहाँ का है? मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ? अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका में। और हांगो नदी कहाँ बहता है, कहाँ का सोख है? चीन का। हाँ तो ये याद रखिएगा। और कहता है कि इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान, यानी कि जलोढ़ मैदान डेल्टा का मैदान ये सभी किससे बनेगा तो निक्षेपात्मक मैदान से बनेगा। तो ये हमारा यानी कि जो तीन भाग था पर्वत पठार और मैदान वो अब हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी जो कुछ स्थलाकृति है इसको आप लोग पढ़िएगा, क्या कि इसमें बहुत ही सारा छोटा छोटा नाम है और याद तो रहना थोड़ा सा मुश्किल है, रट्टा मारे पड़ेगा, फिर भी कल इसको देखेंगे, प्रयास करेंगे रट्टा के, ठीक ना। अभी के लिए यहीं पर मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप लोग को भी पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से आपको डेली के क्लास कराए जाएंगे, हंसते हंसाते समझते समझाते ट्रिक से जैसे भी संभव होगा वैसे हम बताते हैं पढ़ाते हैं, और आपको ये बेहतरीन ढंग से हम करा देंगे। यही है कि आपको ये रिकॉर्डिंग में है तो थोड़ा सा आपको लगता होगा अटपटा सा, जब अगर ये कभी अगर वीडियो पर आ जाए फिर और भी बेहतरीन लगेगा, फिर भी चलिए आपको समझना आना चाहिए, यही आपके लिए और हमारे लिए वो काफ़ी होगा। अभी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।